हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। मैं डॉक्टर मयूरी कोठीवाला हूँ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी प्रैक्टिसिंग इन जयपुर। आज का मेरा ये वीडियो आपको बताएगा एस्टिमेशन ऑफ डिलीवरी डेट कैसे किया जाता है। आपका बहुत बारी क्वेश्चन रहता है ओपीडी में भी, आप जब भी आते हैं तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि डिलीवरी डेट क्या है। और कई बार ये भी देखा जाता है कि सोनोग्राफी पे, हर बार आप जब भी सोनोग्राफी कराते हो तो नई नई डिलीवरी डेट्स आपको मिल जाती हैं हर सोनोग्राफी पे, तो पेशेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली डेट ऑफ डिलीवरी है क्या, किस डेट पे उनको जाके हॉस्पिटल में एडमिट होना है और किस डेट पे वो अपनी डिलीवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज का मेरा ये वीडियो इसी के ऊपर है पूरा, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आपने बहुत बारी देखा होगा कि डॉक्टर्स आपकी स्लिप पे लिखते हैं EDD, और सोनोग्राफी में भी EDD मेंशन होता है। तो EDD का मतलब होता है एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट, मतलब अंदाजन आपकी डिलीवरी डेट क्या होगी। एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता, क्योंकि टाइम से पहले भी हो सकता है दर्द आ जाए, और आपकी जो डेट है जो हम EDD देते हैं आपको, हो सकता है उस पर भी पेन स्टार्ट नहीं हो और उसके बाद हमें इंजेक्शंस लगाने पड़े पेन के या जेल्स लगाने पड़े, तो उसके बाद भी डिलीवरी हो सकती है। EDD केवल एक एस्टिमेटेड डेट है, एस्टिमेशन है कि अंदाजन इतने टाइम पर आपकी डिलीवरी हो जाएगी। तो जब भी आपकी पहली विजिट होती है डॉक्टर के पास प्रेगनेंसी में, वो सबसे पहला सवाल यही पूछते हैं कि आपको आखिरी बारी पीरियड्स कब आए थे, आपके जो लास्ट पीरियड्स थे उसका फर्स्ट डे कौन सा था। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि जब भी आप पीरियड्स मिस करते हो, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, पीरियड्स मिस हो गए हैं, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया पॉजिटिव है, तो हमेशा अपने लास्ट पीरियड की फर्स्ट डे को याद रखना है। उस डेट को आपको याद रख के और डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, क्योंकि उस डेट से आपका EDD यानी कि एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट कैलकुलेट होगा। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये उन लोगों के लिए काम करता है जिनके साइकिल्स एकदम रेगुलर हैं, आपके पीरियड्स एकदम टाइम पे आते हैं, तो ही आपके लिए ये फ़ायदेमंद है। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर रहे हैं तो फिर EDD आपके डेट से कैलकुलेट नहीं हो पाती, उस कंडीशन में आपको सोनोग्राफी की हेल्प चाहिए होती है। इसीलिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंस आती है फर्स्ट सोनोग्राफी की। आपके जब फर्स्ट सोनोग्राफी होती है, आप फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास जाते हैं, 6 हफ्ते के बाद आपकी पहली सोनोग्राफी वो एडवाइस करते हैं। उस सोनोग्राफी के बहुत सारे फायदे होते हैं करवाने के, बहुत सारे रीजंस से वो करवाई जाती है। उस रीजंस में से एक रीज़न होता है आपकी डिलीवरी डेट कन्फर्म करना। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर थे तो आपके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से यानी कि LMP से डिलीवरी डेट कैलकुलेट नहीं हो पाएगी, रादर आपकी जो फर्स्ट सोनोग्राफी में जो डेट आती है वही आपकी फाइनल डिलीवरी की डेट होती है। जब भी आपको लास्ट पीरियड आया है आपको उसका फर्स्ट डे रिमेंबर करना है। इंपॉर्टेंट ये है कि लास्ट पीरियड का फर्स्ट डे आपको याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको लास्ट पीरियड आया था 1 मार्च को और ख़त्म हुआ था 4th-5th मार्च को और आप जाके 5th मार्च डेट बताते हो। आपको 1 मार्च डेट बतानी है, जिस दिन से आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है वो आपका LMP होता है, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ योर लास्ट पीरियड्स। इस LMP में हम 9 months and 7 days ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा EDD यानी कि एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट। फॉर एग्जांपल अगर आपका LMP 23rd of March था 2021, तो उसमें हम 9 months ऐड करेंगे तो वो आएगा दिसंबर मंथ, और प्लस 7 days, 23 में 7 days और ऐड करेंगे तो वो आएगा 30th of December 2021। ऐसे ही आपको पहले 9 months जोड़ने हैं, फिर 7 days जोड़ने हैं आपके LMP में। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर सपोज़ आपका LMP 14th of May था 2021, तो आपका जो EDD है उसमें हम 9 months ऐड करेंगे LMP में, मई में हम 9 months ऐड करेंगे तो फेब का महीना आएगा, फेब्रुअरी का महीना आएगा अगले साल का। और सिमिलरली 7 days ऐड करेंगे 14 में तो 21st of February 2022 ये आपकी एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये शेयर करना चाहूँगी कि जो एस्टिमेटेड डेट होती है उस पर केवल 4 से 5% महिलाएं ही डिलीवर होती है, बाकी या तो उससे पहले डिलीवर हो जाएंगे या फिर उसके बाद डिलीवर होंगे। तो EDD निकालने के 2 इंपॉर्टेंट रीजंस यही होते हैं कि एक तो आप अपनी तरफ से प्लानिंग कर सकें, आपको एक अंदाज़ा रहे कि कब आपकी डिलीवरी ड्यू है, और दूसरा डॉक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो आपकी EDD है उस पर आपके 40 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं, आपकी प्रेगनेंसी के 40 वीक्स पूरे हो जाते हैं। 40 वीक्स के बियॉन्ड बच्चे के लिए थोड़े से रिस्क बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए प्रेगनेंसी अगर 40 वीक्स से ऊपर जाती है तो आपके डॉक्टर आपको कुछ हाई रिस्क समझाते हैं, आपसे कंसेंट्स लेते हैं, और आप अगर विलिंग है उसको और 40 वीक्स के बियॉन्ड एक्सटेंड करने के लिए तो कुछ रेगुलर बेसिस पे टेस्ट होते हैं, सोनोग्राफीज होती है, तभी उसको हम आगे पोस्टपोन करते हैं।
नहीं तो फिर 40 वीक्स पे आपको जेल डाल दिया जाता है या फिर पेन के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जो भी आपका स्टेटस है सर्विक्स का उस टाइम पे उसको देख के। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये अंदाज़ा बैठ गया होगा कि कैसे आपको अपना डिलीवरी डेट कैलकुलेट करना है। थैंक यू।